जिस राज्य में पढ़े लिखे लोग डरे हो, जिस राज्य में व्यवसायी वर्ग के लोग डरे हुए, उस राज्य में क्या व्यय और क्या आए, सोचने की बात है कि आज कोई भी व्यक्ति दिन दहाड़े कहीं जा रहा है, दिन दहाड़े कहीं टाउन में किसी दुकान में डकैती हो जा रहा है, या कोई अगर गांव में कहीं जा रहा बस से उतार के दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकार का नींद नहीं जग रहा है, प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रही है जो इस तरह से भयमुक्त बिहार बना, भय से भरा हुआ बिहार बना हुआ है। कहीं भी किसी राज्य में देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें पेपर में देखने को मिलता है कि आज फलना जगह किसी को गोली मार दिया गया तो किसी बच्ची का बलात्कार हो गया। कैसे चलेगा बिहार, ये सोचने का बात है और मंथन करना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। पहले की भांति लगता है जैसे मोदी जी कुछ बोलते थे और उसको लोग सोचता था कि जब बोल दिए होगा होगा नहीं, वही हाल आज हमारे बिहार का हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जब शुरू के वर्ष में आए थे तो बहुत काम किए तो हम लोग को लगा था कुछ होगा, कुछ बदलाव होगा, लेकिन आज फिर से हम लोग उसी स्थिति में आ गए। चाहे किसी भी मुद्दे पर चले जाइए, आज बिहार के स्कूलों की स्थिति देख लीजिए कि बिहार में बच्चे बैठे रहते हैं, शिक्षक पढ़ाने को नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं लेकिन वहां कोई शिक्षक देखने को नहीं मिलता है। ये समझने की विषय है। आज कहीं भी चले जाइए, किसी भी, आज हमारे बिहार सीतामढ़ी में 2 साल हो गया बाढ़ आए हुए, दयनीय स्थिति के, कोई भी ग्रामीण सड़क जहां लोग चल आ जा सके आज तक दुरुस्त नहीं हुआ 2 साल में, तो क्या होगा। वृद्धा पेंशन का वही हाल है, गांव गांव में लोग ब्लॉक का ऑफिस का चक्कर लगा लगा के थक गए हैं लेकिन उनको आज तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा। चलिए मेरे यहां, आप तो मेरे बगल के विधानसभा से आती हैं, कृपया आप चलिए, अगर बन गया होगा तो मान जाएंगे, बड़ा शर्म की बात है। आप विधानसभा में गलत बोल रही हैं, सबों के बारे में लोग क्या बोलता होगा, आप अपना सोचिए। हाँ वो हम जान रहे हैं, आहत है बेचारी सदमा में कुछ ये नहीं। नहीं चलिए ठीक है, हो सकता आप स्पेशल आपके लिए बना होगा। और कहीं भी आज स्वास्थ्य विभाग का ले लीजिए, किसी भी हॉस्पिटल में एक जगह बता दिए कि कहीं भी मरीज का ऑपरेशन होता है या बच्चा मरीज, अभी अभी हमारे यहां एक माता और बच्चे का देहांत हो गया क्योंकि डॉक्टर की कमी थी, डॉक्टर समय पर नहीं आ पाए। हर जगह एजेंट बहाल है, उस एजेंट का पैसा कहां जाता है, ये सोचता अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है तो उसको एजेंट पहले ही पकड़ाता है, यहां मत जाइए वहां जाइए, वहां लेके शाम तक प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है। तो उसमें भी लगता है कि आजकल कमीशन, जैसे हर घर जल योजना में ऊपर से नीचे कमीशन जा रहा है, आज हॉस्पिटल में दलालों के माध्यम से भी सरकार को कहीं ना कहीं से कमीशन देने का लाभ काम कर रही है, कमीशन कलेक्शन करने का काम कर रही है। यही कारण है कि आज हमारे अस्पतालों में हॉस्पिटल नहीं है। उस पर विचार करना पड़ेगा सरकार को, क्या कारण है कि हमारे यहां बिहार में डॉक्टर आ नहीं रहे हैं। 3-4 साल हम लोग को इस विधानसभा में हो गया और जब पहला सत्र में आए थे तभी हम लोग को आश्वासन दिया गया था माननीय मंत्री जी के तरफ से, बहाली होगा, शिक्षक का बहाली होगा, डॉक्टर का बहाली होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कब होगा, कैसे होगा, आपको उस पर मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि वो डॉक्टर आज हमारे यहां क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, क्यों नहीं ब्लॉक में जाना चाह रहे हैं। ध्यान देने की चीज है क्योंकि डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, उनको भी सही मूल्य मिलना चाहिए, उनको भी सही तनख्वाह मिलना चाहिए कि ब्लॉक में रहकर भी वो अपने बाल बच्चा का काम पालन पोषण कर पाए।